दोस्तों, इस मूवी का नाम है एशेस इन द स्नो और ये मूवी 1941 के वर्ल्ड वॉर टू के टाइम लिथुआनिया नाम की जगह के बारे में है। रशिया और सोवियत यूनियन को धोखेबाज ठहराने के बाद में बाल्टिक रीजन में सोवियत यूनियन ऑक्यूपेशन लागू कर दिया गया था, जब सोवियत संघ ने आधे से ज्यादा पूर्वी यूरोप पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। लिथुआनिया भी उसी में से एक शहर था। फिर ये मूवी लेना और उसके फ्रेंड्स पर आ जाती है जो कि समंदर के किनारे खेल रहे थे। और फिर अगले दिन लेना अपने ड्राइंग स्कूल लेकर के गई और फिर उसी टाइम रेड आर्मी ने स्कूल के बाहर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेना फिर घर आकर और ड्राइंग करने लग गई, जहाँ पर उसके डैड कोस्टास घर आते हैं। लेना के घर में उसके डैड कोस्टास, मॉम एलिना और छोटा भाई जोनस था। लेना के पिता कोस्टास लेना के लिए एक नई ड्राइंग किट लेकर आए थे ताकि लेना एक समर आर्ट प्रोग्राम में जाने की तैयारियां कर सके, लेकिन लेना को ऐसा लगता था कि वो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाती कि वो उसे दिखाने के लिए स्कूल में ले जाए। लेकिन कोस्टास को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था और वो ये कहता है कि वो नहीं जानता कि कोनोस जो कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहा था उसके पास लेना को मरने का क्या कारण होगा। फिर सभी खाना खाने आते हैं, जहाँ पर जोनस ने लिथुआनिया की हालत के बारे में सबको अपनी चिंताएं बताना शुरू की क्योंकि रशिया उन पर कब्जा करने जा रहा था। सब इससे घबराने लगे तो कोस्टास ने घर में इस बारे में बात करने से मना कर दिया। और रात में एलिना कोस्टास से नाराज थी क्योंकि कोस्टास को अपने परिवार से ज्यादा शहर का ध्यान रखने की चिंता थी। वो ये भी कहता है कि लेना को कोनोस में जाने की झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहिए क्योंकि लेना ड्राइंग के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल है और उसे उस स्कूल में जाना है जो कि ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। फिर कोस्टास कहता है कि वो अपनी बेटी लेना को बढ़ावा देना बंद नहीं कर सकता और ना ही दूसरों की मदद करना, जिसके बाद में वो अपने घर से चला जाता है। फिर अगले दिन लेना जब घर से बाहर आती है तो देखती है कि रशियन सोल्जर्स रास्ते से लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे। फिर लेना अपने घर पर आती है जहाँ पर कोनोस से उसके लिए एक चिट्ठी आई हुई थी, जिसे देखने के बाद में लेना बहुत खुश थी, लेकिन उस चिट्ठी को खोलने के लिए उससे अपने डैड के घर आने तक का इंतजार करना था। लेकिन इस दिन कोस्टास अपने घर नहीं आता और फिर उसी रात लेना उसके परिवार और आसपास के सभी लोगों को रशियन सोल्जर्स एनकेवीडी ने गिरफ्तार कर लिया और ट्रक्स में बिठाकर सभी को एक अनजानी जगह ले गए। एलिना ने बाकी लोगों को कोस्टास के बारे में पूछने की कोशिश की लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था और सभी को यह डर लग रहा था कि अब उन्हें यहाँ से कहीं पर ले जाकर मार दिया जाएगा। फिर सभी एक रेलवे स्टेशन पर आते हैं और सबको जबरदस्ती एक ट्रेन में बिठाया जाता है। जोनस को सोल्जर दूसरे डब्बे में बैठा रहे थे जहाँ पर सिर्फ लड़के थे, लेकिन एलेना ने एक सोल्जर कैडजी को रिश्वत दी और जोनस को अपने साथ में अपने डब्बे में बिठा लिया। लोगों से भरे हुए इस डब्बे में लेना की मुलाकात ओना से होती है, जिसका बच्चा लगातार रो रहा था और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ट्रेन के चलने के कुछ देर के बाद में लेना के डब्बे में सोल्जर्स ने एंड्रियास नाम के एक लड़के को भी भेज दिया और लेना ने रात में एंड्रियास से अपने डैड को ढूंढने के लिए मदद मांगी, लेकिन एंड्रियास ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। फिर अगली सुबह सभी सोल्जर्स को अपनी अपनी जगह की ड्यूटीज बताते हुए कमांडर कामारोव ने बताया कि क्रेडसी यहाँ सबसे छोटा है, जिससे कि बाकी सभी लोगों को उसे यहाँ पर परेशान करने को मिल जाएगा। और यहाँ अंदर ट्रेन में लेना अपने परिवार के साथ बिताई हुई छुट्टियों के बारे में सोचने लग जाती है, जब वे सभी पलंगा के बीच पर गए थे इन सभी हालातों से अलग जिनमें वो अभी फंसी हुई है। फिर अगले सीन में लेना एंड्रियास और डब्बे के बाकी लोगों की ड्राइंग बना रही थी, जो कि एक आदमी ने देखा और उसने लेना को यहाँ पर हो रही सभी चीजों की ड्राइंग बनाते रहने के लिए कहा। फिर कुछ देर के बाद में सभी देखते हैं कि ओना के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद में ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर एलेना ने क्रेडजी से ओना के बच्चे को दफनाने को बोला, लेकिन क्रेडजी ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। और इसके बावजूद कुछ देर के बाद में उसे उसके सीनियर्स परेशान करने आ गए। अब एलेना के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसने ओना के बच्चे को लेकर ट्रेन से बाहर गिरा दिया ताकि ओना उसके मरे हुए बच्चे को लेकर ना बैठी रहे। फिर रात में एंड्रियास ने जोनस को जूरिट की कहानी सुनाई, जो कि समुद्र की रानी थी। जूरी एक जवान मछुआरे कैसिडिस के प्यार में पड़ गई थी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे, लेकिन एक परक्यूनस नाम के तूफान के देवता ने उनका हीरो का महल गुस्से के कारण जला दिया क्योंकि उसे पता चला कि कैसिडिस अमर नहीं है। जिसके बाद में एंड्रियास ने जोनस को एक कांच का जैसा टुकड़ा दिया और ये कहा कि ये उसी महल का टुकड़ा है। वो ये भी कहता है कि जिसके पास भी ये होगा वो हमेशा खुश रहेगा। फिर जैसे तैसे 6 हफ्ते बीत जाते हैं। फिर ट्रेन अल्टाई गुलक पर आती है। अपने बच्चे की मौत के कारण ओना अभी भी बहुत दुखी थी और वो पागलों जैसे बर्ताव कर रही थी। और फिर उसके पागलों जैसे बर्ताव से कमांडर कारानो की नजर उस पर पड़ी, जिससे कि उसने सभी के सामने ओना को शूट करके मार डाला। फिर वहाँ के सोल्जर्स ने सभी को एक साथ नहाने के लिए कहा, जहाँ पर एक सोल्जर जवान लेना का फायदा उठाने के लिए आ गया,
लेकिन क्रेडजी ने आकर उसे रोक दिया, जिसके बाद में कमांडर कामारो ने सभी को अपने ऑफिस बुलाया और ये बताया कि वे सभी राजद्रोही है और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करके जिंदगी भर मजदूरी करने की सजा दी जा रही है। उन्हें गुलग नाम की एक जगह में रहकर खेती करनी होगी, लेकिन अगर सभी लोगों ने पेपर्स पर साइन करके ये मान लिया कि वे सभी राजद्रोही हैं, तो उनकी सजा कम हो जाएगी। जिसके बाद में एलेना ने आकर सभी को अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए कहा, लेकिन फिर जब कमांडर ने अपने आदमियों को ये ऑर्डर दिए कि वो किसी भी लोगों को न ही सोने दे और न ही आराम करने दे, तो फिर सभी कैदियों ने आगे आकर पेपर्स पर साइन कर दिए और फिर साइन करने के बाद में सभी कैदियों को एक बहुत ही गंदी जगह पर रहने के लिए भेज दिया। लेना और एलेना को खेत में आलू उगाने का काम दिया, जिसके बाद में उन्हें पता चला कि एंड्रियास को गिरफ्तार करके मारा जा रहा है क्योंकि उसने खाना चुराया था। एलेना क्रेडजी से एंड्रियास के बारे में और खबर लेने आती है, लेकिन क्रेडजी अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था तो उसने एलेना की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा दिया, क्योंकि वो अपने साथियों के सामने कैदियों के साथ में दोस्ती करते हुए नहीं देखा जाना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद में एंड्रियास को छोड़ दिया गया। अगले सीन में क्रेडजी एलेना को कामारो के ऑफिस लेकर आता है और उसका इंतजार करते टाइम क्रेडजी ये बताता है कि एलेना की ही तरह वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया है, और फिर उसे एक और राशन टिकट दे दिया, जिसके बाद में उनकी मुलाकात कमांडर से हुई, जहाँ पर उन्होंने एलेना को उनके साथ ऑफिस में ट्रांसलेटर का काम करने को कहा, लेकिन एलेना ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे कि कमांडर को गुस्सा आ गया क्योंकि एलेना उसके साथ में रहने के बजाय खेतों में काम करना ज्यादा पसंद करेगी। यहाँ पर खेत में लेना ने एक औरत को आलू चुराते हुए देखा और उसे लगा कि वो औरत उसकी मदद कर सकती है। वो उस औरत के पास में आई और उसे एक नक्शा कोस्टस को यानी कि अपने पति को भेजने को कहा, लेकिन उस औरत ने गुस्से से मना करते हुए लेना की शिकायत सोल्जर से करने की धमकी दी। फिर लेना वापस अपना काम करने आ गई, जहाँ पर उसे अपने एक दोस्त के साथ बिताए हुए दिन याद आने लगे, जो कि बिल्कुल उसके डेड की ही तरह दूसरों की मदद करता था। फिर उस रात को एंड्रिया लेना के लिए चुपके से खाना और ड्राइंग का सामान लेकर उससे मिलने आया और दोनों ने पूरी रात एक साथ ही बिताई, जहां पर लेना ने उसे अपनी ड्राइंग्स और कोनास से आई हुई उसकी चिट्ठी दिखाई, जिसे देखकर एंड्रियास ये कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि कोनास ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होगा। और फिर एंड्रियास लेना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद में दोनों ने ऐसे ही मिलते रहने का फैसला किया और वो अपनी अपनी जगह वापस आ गए। फिर कुछ टाइम के बाद एलेना को लेना और एंड्रियास की एक ड्राइंग मिली। उसने लेना को ये बताया कि ये ड्राइंग उसे उस दिन की याद दिलाते हैं जब वो पहली बार कोस्टस से मिली थी और उसे यकीन है कि कोस्टस उन्हें अभी भी ढूंढ रहा होगा। फिर अगली सुबह रशिया के एनकेवीडी सोल्जर्स उस दिन की खेती का हिसाब देख रहे थे और उन्हें पता चला कि ये रोज से कम है। एलेना ये बताती है कि सर्दियाँ आ रही हैं इसलिए फसल कम होगी, पर कमांडर को उस पर भरोसा नहीं था और फिर उसने एक एक करके सबकी तलाशी ली और फिर उसे उस औरत के पास से आलू मिले, जिसे लेना ने चोरी करते हुए देख लिया था। और पकड़े जाते ही उस औरत ने कमांडर से लेना की शिकायत करना शुरू कर दी और झूठ बोलने लगी, पर उसकी बातों को कमांडर ने अनसुना कर दिया और कैटसी से बस उस औरत को मार देने के लिए कहा, जिसके बाद बाकी सभी को उस दिन का खाना देने से मना कर दिया गया। फिर देखते ही देखते समय बीतता जाता है और 1942 की ठंड आ जाती है। हम देखते हैं कि कमांडर ने लेना को अपने ऑफिस उसकी एक अच्छी सी ड्राइंग बनाने के लिए बुलाया, लेकिन लेना का अपनी भावनाओं पर बिल्कुल भी काबू नहीं था और इसीलिए उसने उसकी एक अच्छी पेंटिंग बनाने के बजाय उसने कमांडर का असली रूप अपनी ड्राइंग में बना दिया, जो कि एक राक्षस जैसा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद कमांडर ने गुस्सा होकर लेना के घर की तलाशी ली और उसने लेना के सामने ही उसकी सारी ड्राइंग्स जला दी। अब धीरे धीरे समय बीतता है और क्रिसमस का दिन आ गया था और जोनस ने लेना को आग में जलने से बची हुई उसकी डेड की फोटो दे दी। और हम देखते हैं कि एनकेवीडी के सोल्जर्स अभी भी क्रेडसी को परेशान करते थे, तो इसीलिए उसने उस रात खाने के टाइम उसने सभी से लड़ाई कर ली और वहां से चला गया। एंड्रियास लेना और बाकी सभी कैदियों के साथ उनकी क्रिसमस पार्टी में शामिल होने आ गया, जो खुद उसे अच्छे से मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और खाने के बाद लेना ने आखिरकार एंड्रियास को पहली बार किस किया। फिर क्रेडजी एलेना से मिलने आया, जो कि कमरे में अकेली थी, और उसने एलेना को बताया कि उसके पति कोस्टस को उन सभी की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद में रशियन सोल्जर्स ने मार दिया। अब हम देखते हैं कि क्रेडजी को एलेना पसंद थी, तो उसने मौके का फायदा उठाया और वो एलेना के साथ इंटीमेट होने आ गया, लेकिन एलेना ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे कि क्रेडजी उसके साथ में जबरदस्ती सेक्स करने लग गया, जिस पर एलेना ने उससे ये कहा कि वो उसकी बॉडी के साथ में कुछ भी कर सकता है लेकिन उसे कभी नहीं पा सकता। और इस बात से शर्मिंदा होकर वो एलेना को छोड़कर वहाँ से चला गया।
जिसके बाद में एलेना अपने पति कोस्टस की मौत पर रोने लगी थी। फिर बाहर आते ही क्रेट्सी को फिर से उसके सीनियर्स ने परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे कि गुस्सा होकर क्रेट्सी ने एक सोल्जर का बहुत मारा। और फिर कुछ देर के बाद में कमांडर कमराव ने क्रेट्सी को बुलाया और बताया कि उसे प्रमोट करके कमांडर बना दिया गया है और उसे गुलक के कुछ लोगों को लेकर अपना खुद का इलाका बनाना पड़ेगा। क्रेट्सी के हिस्से में लेना और उसका परिवार भी शामिल था, जिन्हें मिलकर एक ऐसी बर्फीली जगह भेज दिया गया जहाँ पर कोई नहीं जाता। फिर उसे और सभी कैदियों को तुरंत शिप में भरकर उस आइलैंड पर भेज दिया गया। फिर सभी ने वहाँ पर पहुंचकर ये देखा कि ये जगह उनकी पुरानी जगह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक कैदी ने लेना और उसके परिवार को अपने साथ उसी शिप में छुपकर भाग चलने के लिए पूछा, क्योंकि यहाँ पर रहने पर सर्दियों से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन लेना ने उसे साफ मना कर दिया। और फिर कुछ देर के बाद में वो कैदी जल्दी पकड़ी गई, जिसे कमांडर क्रेट्सी ने तुरंत मार देने के ऑर्डर दे दिए। फिर जैसे तैसे समय और बीतता गया और 1943 की सर्दियाँ आ गई थी और उस आइलैंड पर रहने वाला हर इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार होने लग गया था। एलिना उनमें से थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और वो मरीजों के कमरे में थी जहाँ पर क्रेट्सी ने उसे ढूंढ लिया। एलिना ने उससे कहा कि जब वो मर जाएगी तो क्रेट्सी उसके बच्चों को ज़्यादा परेशान न करे। वो लेना ने क्रेट्सी को एलिना से बात करते हुए देख लिया और वहाँ से भगा दिया। फिर एलिना ने अपनी बेटी लेना को उसके डैड के मरने के बारे में सच्चाई बता दी कि कोस्टेस कुछ डॉक्यूमेंट्स को चुराते हुए पकड़ गए थे, जिससे कि वो उनकी और उनके जैसे कई लोगों की सोवियत ऑक्यूपेशन से पहले लिथुआनिया से बाहर निकल जाने में मदद करने वाला था। उसने लेना से एक वादा लिया कि वो जोनस को ये बात सही टाइम आने पर बताएगी और ये कहा कि अब उसे खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपने पिता की ही तरह एक बहादुर लड़की है। फिर हमें देखते हैं कि लेना कोनोस की चिट्ठी, जो कि उसने अपने पिता के सामने खोलनी चाही थी, एलिना और जोनस के सामने खोली और देखकर खुश हो गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई, क्योंकि एलिना की मौत हो गई थी और लेना की खुशी अब गम में बदल गई थी। और फिर गुस्से में लेना वहां से बाहर आई और कमांडर क्रेट्सी के ऑफिस में आकर और वो उसे सभी को फिर से गुलाग जैसी जगह पर ले जाने को कहने लगी। फिर क्रेट्सी लेना को भी उसका रेप करने की धमकी देता है, जैसा कि उसने उसकी माँ के साथ किया था। पर इतने में लेना उसे उसकी माँ की मौत के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर क्रेट्सी ने उसे छोड़ दिया था। जिसके बाद में लेना ने उसके टेबल पर उसकी ही एक ड्राइंग रख दी और ये ड्राइंग बहुत ही अच्छी थी, जिस पर लेना ये कहती है कि उसे अभी भी क्रेट्सी में एक अच्छा इंसान दिखाई देता है, न कि कोई राक्षस। फिर हम ये देखते हैं कि एलिना के दोनों बच्चे मिलकर अपनी माँ को दफनाने चले गए थे और यहाँ पर कमांडर क्रेट्सी ने बच्चों की आज़ादी के लिए एक लेटर लिखकर सुसाइड कर लिया। और फिर आखिर में लेना और जोनस समंदर के किनारे एक नाव में बैठने आए, जहाँ पर लेना उस दिन को याद करने लग गई जो उसने बीच पर बिताया था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये एक छोटे से परिवार की कहानी है जिसे रशिया की आर्मी ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद में एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता थी। ये परिवार जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहा था और एलिना का हस्बैंड एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपने परिवार और आसपास के बाकी लोगों को इस जगह से ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही एलिना की फैमिली को रशियन आर्मी ने पकड़ लिया और एलिना के हस्बैंड को मार डाला। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा।